प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने छात्रों को सम्मानित किया और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में संबोधन के बाद पीएम मोदी क्लासरूम में गए, जहां उन्होंने छात्रों से मुलाकात की। ये लोग जगह की कमी की वजह से मुख्य समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। हंगामे की वजह से आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल पाई, जिसके बाद दोनों ही सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज एनडीए सांसदों ने सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की मांग की, तो वहीं राज्यसभा में विपक्ष ने अग्निवीर पर बहस की मांग की, जिसे उपाध्यक्ष ने खारिज कर दिया। वहीं कोलकाता में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज मेडिकल टेस्ट के लिए ईएसआई अस्पताल ले जाया गया। ईडी की टीम दोनों को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां अर्पिता मुखर्जी फूट फूट कर रोती दिखाई दी। अर्पिता मुखर्जी के तीन और ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के बाद से ही चार गाड़ियां गायब हैं। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले से हत्या का एक वीडियो सामने आया है, और इस सीसीटीवी वीडियो में कुछ नकाबपोश एक दुकान के बाहर खड़े फाजिल नाम के युवक पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार करते दिखाई दे रहे हैं। फाजिल ने हमलावरों से जान बचाकर भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उसे संभालने का मौका तक नहीं दिया और वो उस पर लगातार एक के बाद एक कई वार करते हुए दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के देवास में जिला पंचायत अध्यक्ष की वोटिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मतदान केंद्र को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए जद्दोजहद करती दिखाई दी। कांग्रेस और बीजेपी में जिला पंचायत सदस्यों को पंचायत कार्यालय में प्रवेश कराने की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था। असम में पुलिस ने आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है, और इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन सभी लोगों पर आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है। जांच एजेंसियों का यह दावा है कि मुस्तफा नाम का आदमी मोरी गांव में एक मदरसा चला रहा था। आरोपियों के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और वहीं जम्मू के मेंढर सेक्टर में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। यहां बच्चों के नाला पार करके स्कूल जाने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे उफनते नाले के एक कोने में फंस गए। कुछ देर बाद एक जीसीबी मंगवाई गई और उसकी मदद से बच्चों को नाला पार करवाया गया। सैलाब में एक बाइक सवार भी फंस गया और काफी देर तक नाला पार करने की कोशिश करता रहा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश कहर बरपा रही है। बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ दरकने से लगातार पत्थरों के गिरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से हाईवे जाम हो गया है। हालांकि रास्ता फिर से खोलने के लिए प्रशासन की ओर से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन रास्ता बाधित होने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। पहाड़ पर जमीन खिसकने से मलबा सड़क पर आ गया है। सभी ओर कीचड़ ही कीचड़ दिखाई दे रहा है चौतरफा, जिससे कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है और कई गांवों के लोगों को ऊपर की जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। चंडक नदी में 26 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 4 लोगों को निकाला जा चुका है। बाकी लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन के साथ ही सेना के जवान रेस्क्यू अभियान में जुटे हुए हैं। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा सकती है। राजस्थान का हाल भी कुछ अलग नहीं है। राजस्थान में भारी बारिश लोगों का जीना मुहाल कर चुकी है। बरसात के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। श्रीगंगानगर में भारी बारिश के बाद सड़कें सैलाब के पानी में डूब गई हैं। कई जगहों पर लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। कई जगहों पर पुल पुलिया बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। अगर नदी में उफान की वजह से लोगों को कहीं आने जाने में भी परेशानी हो रही है, दिक्कतें पेश आ रही हैं। कुछ जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपी के मैनपुरी में भी पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। हत्या के आरोप में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं एनकाउंटर के दौरान बदमाश का साथी मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बदमाश के 3 साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। यूपी के बागपत में मामूली विवाद की वजह से छात्रों के 2 गुट आपस में ही भिड़ गए, और कुछ देर में दोनों गुटों के करीब 1 दर्जन से ज्यादा छात्र एक दूसरे पर टूट पड़े, और मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो भी रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इन छात्रों की पड़ताल करने में जुट गई है। दोनों छात्र गुट एक इंटर कॉलेज के बताए जा रहे हैं।
यूपी के गोंडा में दो पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी की वजह से दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ और दोनों मारपीट करने पर उतारू हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के अधिकारी एक्शन में दिखाई दिए और दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर होना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ में जगदलपुर के महारानी अस्पताल परिसर में खड़ी कई एम्बुलेंस में आग लग गई, जिससे कि मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने खुद पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन आग तेज होती गई और वहां पर खड़ी कई एम्बुलेंस को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत यह रही कि आग जिन एम्बुलेंस में लगी थी वो कबाड़ हो चुकी थी। गाड़ियां बताई जा रही कि कबाड़ की थी। बताया भी जा रहा है कि एम्बुलेंस को गैस कटर से काटने के दौरान ये आग लगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक बस फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत भी हो गई है, जबकि 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बस दिल्ली से फरुखाबाद जा रही थी और उसमें 30 से 40 यात्री सवार थे। अमेरिका ने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर रोमियो भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। IAC विक्रांत पर इन हेलीकॉप्टर्स की तैनाती होगी। कोच्चि एयरपोर्ट पर पहले खेप के 3 हेलीकॉप्टर में से 2 हेलीकॉप्टर कल पहुंचे हैं। तीसरा हेलीकॉप्टर अगले महीने तक पहुंचेगा और इन हेलीकॉप्टर्स के लिए इंडियन नेवी ने अमेरिका से करार किया है। दक्षिण अमेरिकी देश निकारागुआ में दर्दनाक हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। बस में सवार होकर सभी लोग सेंट्रल अमेरिका से रवाना हुए थे, तभी बस पलटने से यह हादसा हो गया। मृतकों में 14 लोगों की पहचान हुई है, जिसमें से 13 यात्री वेनेजुएला के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जबकि 2 यात्रियों की पहचान की जा चुकी है। बताया यह जा रहा है कि बस की रफ्तार तेज होने की वजह से हादसा हुआ। पाकिस्तान में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। महंगाई की वजह से लोग सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कि सोने के भाव आसमान छूने लगे हैं। पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत रिकॉर्ड 1,60,500 रुपए तक पहुंच गई है। पाकिस्तानी रुपए में कमजोरी और अर्थव्यवस्था को लेकर नए जोखिम सामने आने से निवेशकों के बीच में चिंताएं बढ़ गई हैं और सोने की मांग भी बढ़ने लगी है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।